खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। बृहस्पतिवार व शुक्रवार की रात में एसडीएम सदर के साथ बालू खनन माफियाओं ने अभद्रता की। एसडीएम पिहानी कोतवाली के अंतर्गत हरैया पुरी के निकट बालू खनन की शिकायत आई थी। एसडीएम की सुरक्षा में लगे होमगार्ड की तहरीर पर पिहानी पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद व 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताते चले कि क्षेत्र में बालू खनन माफियाओं का बोलबाला है। चोरी छुपे ये लोग शारदा नहर से अवैध बालू खनन का काम करते हैं, जिसकी शिकायत निरंतर उच्च अधिकारियों से होती रहती है। इसी क्रम में बालू खनन की शिकायतों पर एसडीएम सदर दीक्षा जैन हरैया पुल के निकट हो रहे अवैध बालू खनन को रोकने पहुँच गयी। लगभग आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली व 40-50 लोग शारदा नहर से बालू खोदकर ट्रॉली में भर रहे थे। एसडीएम सदर दीक्षा जैन के मना करने पर भी ये लोग अभद्रता पर उतारू हो गए और एसडीएम की गाड़ी की चाबी निकाल ली। एसडीएम ने तत्काल उच्च अधिकारियों व पिहानी कोतवाली दिलेश कुमार सिंह को घटना की सूचना दी। मौके पर एसडीएम एडिशनल एसपी व कोतवाली दिलेश कुमार सिंह पहुँच गए। पिहानी पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है व 4 ट्रैक्टर ट्रॉली भी कब्जे में ले ली है। कोतवाली दिलेश कुमार सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बालू खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कीमत पर अवैध बालू खनन नहीं होने दिया जाएगा। नसीम नजीर, फैजुल्ला कासिम, रितेश नजीर, जमीर संजय कल्लन, मैजुद्दीन आरिफ समेत बालू खनन माफियाओं पर 50 लोगों पर दर्ज कर लिया जाए। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने सीओ सिटी की जांच पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वीर दारोगा व 2 सिपाही निलंबित कर दिए है। यह प्रकरण थाना पिहानी जनपद हरदोई का है। 9/10 दिसम्बर की मध्य रात्रि एसडीएम सदर को सूचना मिली थी कि शारदा नहर में कुछ लोग फावड़े से बालू का खनन कर रहे हैं। इस सूचना पर एसडीएम सदर तत्काल वहां पहुंची थी। उनको और उनकी गाड़ी को देखकर लोगों ने भागना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी से चाबी निकाल ली थी। इस पर उन्होंने तत्काल SHO पिहानी को सूचना दी। कुछ समय में SHO पिहानी में पुलिस टीम के वहाँ पहुँचे और उस चाबी को बरामद कर लिया गया। इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और सुसंगत 15 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए 10 नामजद आरोपियों में से और कुछ अज्ञात लोगों में से कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ थाना पुलिस की भूमिका की जाँच करने के लिए प्रारंभिक जांच का आदेश किया गया है और इसी बीच प्रथम दृष्टया हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी की भूमिका संदिग्ध पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बहुत जल्द ही वैधानिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।